हमने मेयर से इमेज बनाना सीख लिया, कनकेव मेयर से, कन्वेक्स मेयर से, दोनों से इमेज बनाना सीख लिया। अब हम लोग लेंसेज से इमेज बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कन्वेक्स लेंस से इमेज बनाना सीखेंगे। तो कन्वेक्स लेंस से इमेज बनाने के लिए जिस तरह से हम लोग मिरर से इमेज बनाने के लिए पहले कुछ रूल्स को जान लेते थे, उसके बाद उस रूल्स का यूज करके इमेज बनाते थे, उसी प्रकार हम लोग लेंस के केस में भी पहले कुछ रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद उस रूल्स का यूज करेंगे इमेज बनाने में। तो सबसे पहले हम लोग कन्वेक्स लेंस से इमेज बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग कुछ रूल्स जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं। रूल्स टू ड्रा इमेज बाय कन्वेक्स लेंस, हेडिंग डालते हैं। रूल्स टू ड्रा इमेज बाय कन्वेक्स लेंस। जैसे मिरर में तीन रूल्स थे, उस प्रकार से लेंस में भी तीन रूल्स हैं। तो पहला रूल, उससे कुछ अलग है कुछ सेम भी है, ये हो गया कन्वेक्स लेंस। ये तो जानते होंगे, ये कन्वेक्स लेंस हो गया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो जो पैरेलल रेज आएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन, उसमें रिफ्लेक्शन होता था, इसमें रिफ्रैक्शन होगा। तो ये एफ बनाएंगे, यहाँ टू एफ बनाएंगे। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से पास होगी। यही मिरर के केस में भी होता था कि आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज जो आती थी वो। तो उस प्रकार से जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होगी, जितनी भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होगी। दूसरा रूल इसी के अपोजिट, इसी के जैसा, जितने भी रेज फोकस से पास होगी, ये फोकस हो गया, ये टू एफ हो गया, जितने भी रेज फोकस से पास होगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। उसी के अपोजिट, ऊपर वाले के अपोजिट केस हो गया, प्रिंसिपल से पैर चली गई। ये दोनों रूल तो एक ही जैसा है। ऐसा ही हम लोग मिरर में पढ़े थे, जो भी फोकस से पास होती थी रेज वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैर चली जाती थी। हम लोग मिरर को साथ साथ लेकर के चल रहे हैं ताकि आप लोग उससे कनेक्ट कर पाए, लेंसेज को मिरर से कनेक्ट कर पाए, तो इससे समझने में आसानी होगी और याद रखने में भी आसानी होगा। तो तीसरा केस, ये अलग है, ये मिरर से ये अलग है, तो ये याद करना पड़ेगा। इसमें ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। तो जो भी रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, जैसे ये लेंस है, तो लेंस से पास होने पर वो रिफ्रैक्ट होती है, लेकिन ऑप्टिकल केस में ऐसा नहीं होता है। ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रेज अनडेविएटेड चली जाती है, वैसे ही बिना रिफ्रैक्शन हुए। जो भी रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो अनडेविएटेड सीधे चली जाती है, जितनी भी रेज। तो यह तीन रूल्स का हम लोग यूज करेंगे इमेज बनाने में कन्वेक्स लेंस से। लेकिन इसमें हम लोग दो ही रूल्स का यूज करेंगे, दो ही रूल्स का यूज करके सारे केसेस हम लोग बना लेंगे, कन्वेक्स लेंस से सारे केसेस बन जाएंगे। केवल दो ही रूल्स का यूज करके, पहला रूल जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी इंसिडेंट रेज वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होगी, एक ये रूल का यूज करेंगे इमेज बनाने में, एक ये लास्ट वाले रूल्स का यूज करेंगे। इसका यूज नहीं करेंगे हम लोग, यही दो का यूज करके, ऊपर वाले और नीचे वाले, ये पहला का और ये तीसरा का यूज करके सारे केस बन जाएंगे, सारे इमेज बना लेंगे हम लोग कन्वेक्स लेंस से। तो रूल्स पढ़ लिए, बस यही रूल्स थे छोटा सा। अब हम लोग कन्वेक्स लेंस से इमेज बनाना सीखते हैं। तो हेडिंग डालते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। सबसे पहले कन्वेक्स लेंस बनाएंगे। ये बन गया कन्वेक्स लेंस,
ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस बना लिए, ये ऑप्टिकल सेंटर बना लिए, ये एफ वन, ये टू एफ वन, ये एफ टू, ये टू एफ टू। हम लोग ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे हमेशा, तो सबसे पहले हम लोग इधर से शुरू करेंगे ऑब्जेक्ट को, ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट को आगे की ओर लेकर के जाएंगे तो आसानी होगा लिखने बनाने में, याद रखने में। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम लोग इधर रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे। सबसे पहला केस, ऑब्जेक्ट को इधर लेफ्ट साइड में इन्फिनिटी पर रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, इसलिए ऑब्जेक्ट को हम दिखा नहीं सकते हैं, तो इससे आती हुई रेंज को हम दिखा सकते हैं। तो जो इन्फिनिटी से रेंज आती है वो कैसे आती है, हमने बताया था जो इन्फिनिटी से रेंज आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। तो हम रेंज बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रे आ रही है इन्फिनिटी से। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है रे, वो कहाँ से पास होती है, वो फोकस से पास होती है, वो एफ टू से पास होगी। एक रे तो हमने बना लिया, हमें इमेज बनाने के लिए कम से कम दो रे की ज़रूरत होती है। एक और रे आएगी तो वो भी आ रही है इन्फिनिटी से, तो वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो वो रे भी आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास होगी, एफ टू से। और जहाँ रिफ्रैक्टेड रे कट करेगी एक दूसरे को, वहीं पर इमेज बनेगा। जहाँ रिफ्रैक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड रे मिरर के केस में कट करती है, वहीं पर इमेज बनता है। लेंस के केस में रिफ्रैक्टेड रे, मिरर केस में रिफ्लेक्टेड रे। तो इस कारण यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनेगा, इमेज बनेगा। तो जहाँ ये कट करती है उसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस से मिलाते हैं, तो वहाँ इमेज बनता है। तो यहाँ कट किया है फोकस पर, अब प्रिंसिपल एक्सिस से मिलाएंगे तो ये पॉइंट ही बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा। तो यहाँ जो इमेज के बारे में प्रॉपर्टीज लिखेंगे, तो चलिए प्रॉपर्टीज लिखते हैं इमेज का। इमेज कहाँ बना है, तो एट फोकस एफ टू। कैसा है, तो अगर रिफ्रैक्टेड रे, लेंस के केस में रिफ्रैक्टेड रे और मिरर केस में रिफ्लेक्टेड रे, अगर रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली में सही में एक दूसरे को काटेगी तो इमेज रियल बनेगा। तो इसमें रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पर कट कर रहा है एक दूसरे को, ये दिख रहा है, तो ये इमेज कैसा है, रियल इमेज। हम लोग जानते हैं या नहीं जानते तो जान लीजिए, अगर रियल इमेज रहेगा तो इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगा, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, ये याद कर लीजिए। जब भी इमेज रियल होगा तो वो इन्वर्टेड होगा, क्योंकि यहाँ दिख नहीं रहा ये पॉइंट साइज है, ये इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, यहाँ दिख नहीं रहा, तो हम लोग इसका यूज करेंगे। और केस में दिख जाएगा वो इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, लेकिन इसमें नहीं दिख रहा है, तो इसमें रियल का यूज करके इसे इन्वर्टेड लिख देंगे, क्योंकि जब भी इमेज रियल होता है वो इन्वर्टेड होता है। फिर चौथा प्रॉपर्टी, ये बड़ा है या छोटा है, तो ये बहुत छोटा है, हाईली डिमिनिश्ड है ये, या फिर पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा बना है इमेज, या फिर पॉइंट साइज। तो ये हो गया इसका प्रॉपर्टी। तो पहला केस हम लोग जान गए जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, इन्फिनिटी पर, तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर। अब इसे हम कनकेव मिरर से कनेक्ट करते हैं ताकि याद करने में आसानी होगा। कनकेव मिरर में क्या होता था, बना लेते हैं कनकेव मिरर, रिवीजन में हो जाएगा। ये हो गया कनकेव मिरर, इसके केस में भी जब इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट, जब इन्फिनिटी से रे आती थी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होती थी और इमेज फोकस पर बनता था। तो उसी के जैसा ये है, इसमें भी इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो फोकस पर बन रहा है, इसमें भी जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट था तो फोकस पर बनता था, इसमें रियल बन रहा है, लेंस के केस में रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, पॉइंट साइज बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। मिरर के केस में भी याद होगा अगर आपको, तो फोकस पर बन रहा था, पॉइंट साइज बन रहा था, इन्वर्टेड बन रहा था, हाँ सारा यही सेम टू सेम यही प्रॉपर्टीज हो रहा था।
तो ये एक दूसरे को कनेक्ट करके हम लोग याद कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला केस की ओर। जब ऑब्जेक्ट को अभी यहाँ रखे थे, ऑब्जेक्ट को और पास लाएंगे तो अभी इन्फिनिटी पर था, अब इन्फिनिटी से हटा करके फाइनाइट डिस्टेंस पर आएगा और 2f के पीछे आएगा, इधर आएगा अभी। तो अगला केस अब हम बनाएंगे। तो केस टू में हम लोग ऑब्जेक्ट को लेकर के आ जाएंगे फाइनाइट डिस्टेंस पर। तो सबसे पहले एक लेंस बना लेते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना लिए, ऑप्टिकल सेंटर F1, 2F1, इधर हो जाएगा F2, 2F2। ऑब्जेक्ट को हम लोग फाइनाइट डिस्टेंस पर इधर कहीं भी रखेंगे, इसके पिछले केस में इनफाइनाइट पर रखेंगे, इसको अब इधर लाए हैं, अब फाइनाइट डिस्टेंस पर लाए हैं कहीं भी। तो लिखते हैं यहाँ पर केस ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1, तो 2F1 के पीछे बना दिए ऑब्जेक्ट को AB। तो हमें अब रेज को लेकर के जाना है, एक रे को सबसे आसान हम लोग लेकर के जाते हैं हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो जो पैरेलल रे होती है प्रिंसिपल एक्सिस से, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास होगी, F2 से, रूल्स में अभी पढ़े हैं, तो ऐसे चली गई। फिर अगला रे कहाँ से लेकर जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। तो जो ऑप्टिकल सेंटर से जाते हैं वो अनडेविएटेड चली जाएगी सीधे, ये अनडेविएटेड चली गई, ये जहाँ पर मीट की रिफ्रैक्टेड रे, ये इससे पास होने के बाद वहीं यहाँ इमेज बन जाएगा, इसको मिला देंगे प्रिंसिपल एक्सिस से तो ये इमेज बन गया A-B-, तो इमेज बना लिए। आसान था कि नहीं था, आसान था, बस दो प्रॉपर्टीज़ का यूज करना है, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बना देना है रे, उसको फोकस से पास करवा देना है, एक ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के चले जाना है रे को, और उसको अनडेविएटेड पास करा देना है, जहाँ दोनों मीट कर गया, कट कर गया एक दूसरे को, वहाँ इमेज बन जाएगा, उसको ऑप्टिकल, उसको प्रिंसिपल एक्सिस से मिला देंगे, इमेज बन जाएगा। अब इसका प्रॉपर्टीज लिखते हैं इमेज का। पहला प्रॉपर्टी, इमेज कहाँ बना है, तो बिटवीन F2 एंड 2F2, तो इमेज इज फॉर्मड बिटवीन F2 एंड 2F2, 2F2। इमेज कैसा है, रियल है या वर्चुअल है, तो इमेज कैसा है, रियल है या वर्चुअल है, बताइए आप। इमेज रियल है क्योंकि ये रे एक्चुअली में कट कर रही है एक दूसरे को, यहाँ पर कट किया एक दूसरे को, तो रियल है। कैसे देखेंगे रियल या वर्चुअल, अगर रे एक दूसरे को सही में कट किया तो रियल, नहीं कट किया उसको कट करवाना पड़ा, वो आगे केस आएगा, तो वर्चुअल। अब ये इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, तो इसमें तो दिख गया ये इन्वर्टेड है, पिछले केस में नहीं दिखा था, तो वो रियल का यूज करके इन्वर्टेड लिख लिए थे, यहाँ दिख गया तो इन्वर्टेड लिख देंगे। अब ऐसे भी जहाँ रियल होगा वहाँ इन्वर्टेड होगा। फिर चौथा, ये कैसा है, बड़ा है या छोटा है, तो ये दिख रहा है कि ये डिमिनिश्ड है, तो डिमिनिश्ड। ये सेकंड केस हो गया, अगर इसे मिरर से कनेक्ट करना चाहेंगे तो मिरर का हो जाएगा जो बियॉन्ड सी था, बना ही देते हैं, ये कनके मिरर हो गया, थोड़ा टाइम लगेगा, बन जाएगा एफ हो गया, ये सी हो गया, बियॉन्ड सी वाला ऐसे मिला रहे थे एक, तो ये एक ऐसे हो रहा था, बन रहा था, फिर दूसरा फोकस से लेकर के जा रहे थे तो ऐसे बन रहा था, ये यही वाला केस है, जो मिरर में ये केस था, कनकेव मिरर में ये केस, वो इसके जैसा है, ये दोनों एक दूसरे के जैसा है, प्रॉपर्टीज दोनों का एक ही जैसा रहेगा, इसमें F2 एंड 2F2 के बीच में बना है, इसमें F और C के बीच में बना था, रियल था, इन्वर्टेड था, डिमिनिश्ड था, जो इसमें है वो इसमें है, तो याद कर सकते हैं, ये एक दूसरे को कनकेव मिरर याद रहेगा तो ये कन्वेक्स लेंस बहुत ही आसान लगेगा। अब हम लोग तीसरे केस पर जाएंगे। अब ये ऑब्जेक्ट को 2F1 और F1 के बीच में रख देंगे, तो देखेंगे कहाँ बनता है। तो अगला केस हम बनाते हैं, तो लिखते हैं ऑब्जेक्ट इज 2F1 वाला केस गलती से छूट गया है, अभी तीसरा केस वहीं आना चाहिए था लेकिन वो गलती से छूट गया, तो उसको मैंने पांचवा केस बना दिया है, तो वो आगे वीडियो में आएगा,
तो देखते रहिए। तो हम लोग तीसरा केस बनाते हैं जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे F1 एंड 2F1 के बीच में। तो तीसरा केस, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड 2F1, बिटवीन F1 एंड 2F1। तो सबसे पहले इमेज बनाने के लिए हम लोग बनाएंगे लेंस, लेंस बनाएंगे, उसके बाद बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस, फिर यहाँ बना देंगे ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ F1 2F1, यहाँ F2 2F2। आप लोग जब बनाएंगे तो स्केल से बनाइएगा। तो ऑब्जेक्ट को रखना है F1 2F1 के बीच में, ये भी हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसका इमेज बनाना है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पहले एक रे को लेकर के चले जाते हैं। तो एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पहले लेकर चले गए, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास हो जाएगा, F2 से पास हो गया। बस अब एक और काम बचा, एक रे को एक और रे चाहिए, उसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से पास कर देंगे, तो वो अनडेविएटेड चला जाएगा, जाएगा जाएगा जाएगा, यहाँ कट कर दिया। तो जहाँ कट कर दिया उसे हम लोग मिला देंगे प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो बन गया इमेज A-B-, इमेज बन गया। दो ही प्रॉपर्टीज का यूज करना है, दो ही रे का यूज करना है, एक रे को लेकर जाना है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो फोकस से पास हो जाएगा, दूसरा रे को लेकर जाना है ऑप्टिकल सेंटर से, वो अनडेविएटेड पास हो जाएगा, दोनों जहाँ मिलेगा वहाँ बन जाएगा इमेज, उसको प्रिंसिपल एक्सिस से मिला देंगे, हो गया इमेज। इसका प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी, इमेज कहाँ बना है, तो इमेज बना है बियॉन्ड 2F2, 2F2 के पीछे, बियॉन्ड 2F2। दूसरा प्रॉपर्टीज, इमेज कैसा है, रियल है या वर्चुअल है, बताइए आप कैसा है। तो इमेज रियल है क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को सही में कट किया है, तो इमेज है रियल। रियल होगा तो कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, और दिख भी रहा है कि इन्वर्टेड है। चौथा प्रॉपर्टी, तो इमेज कैसा है, इनलार्ज है या डिमिनिश्ड है, तो इमेज इनलार्ज है, इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा है, तो लिख देंगे इनलार्ज्ड। ये केस भी हो गया, इसको मिरर से भी मिला देते हैं, मिरर के केस से कनेक्ट कर देते हैं। ये हो गया कनकेव मिरर, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ और सी के बीच में रख देंगे ऑब्जेक्ट, ये ऐसे एक जाएगा पैरेलल, वो फोकस से पास होगा, दूसरे फोकस से पास होगा, वो पैरेलल जाएगा, ये दोनों सी के पीछे मिल जाएगा, ये दोनों सेम केस, मतलब एक ही जैसा केस हुआ। प्रॉपर्टीज, इसका बियॉन्ड 2F2 इमेज बना है, इसमें बियॉन्ड सी हो जाएगा उसके जगह पर, बाकी सारा सेम रहेगा, रियल इन्वर्टेड इनलार्ज। तो कनकेव लेंस का भी हम लोग इसके साथ में रिविजन करते जा रहे हैं, इसको उससे कनेक्ट कर रहे हैं ताकि ये याद हो जाए, याद करना ना पड़े, उसी के जरिए याद कर लें, कनकेव लेंस का यूज करके हम लोग इसको याद कर लेंगे। अब हम लोग चौथा केस पहुँचेंगे, चौथा केस, अब इसको और आगे ले करके जाएंगे, ऑब्जेक्ट को और आगे हम लोग ले करके जाते जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट को F1 पर ले करके चले जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट इज एट फोकस F1, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस F1 पर रख दिए। सबसे पहला काम लेंस बनाना है, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस बनाना है, यहाँ ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑप्टिकल सेंटर बनाना है, यहाँ F1, ये 2F1, ये F2, ये 2F2। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, F1 पर रखना है, तो ऑब्जेक्ट को रख दिया F1 पर, तो ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। सबसे पहला रे हम लोग कहाँ से लेकर के जाते हैं, तो सबसे पहला रे हम लोग लेकर जाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पैरेलल लेकर के चले जाएं, वो कहाँ से पास होगा, F2 से, एक काम हो गया। अगला क्या करते हैं, तो अगला रे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के चले जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर चले गए, अनडेविएटेड चला गया, तो आप देख पा रहे होंगे, नहीं देख पा रहे हैं तभी, ये दोनों रे आपस में पैरेलल हैं, नहीं देख पा रहे हैं तो याद कर लीजिए,
ये दो रे आपस में एक दूसरे के पैलर हैं। तो ये पहले रे आपस में मिलती है, नहीं मिलती है, लेकिन मैथमेटिक्स के अनुसार हम लोग मान लेते हैं कि ये दो रे मिलेगी आपस में, इन्फिनिटी पर जा कर के दो पहले रे मिल जाती है। तो ये रे एक दूसरे से जाते जाएगी जाते जाएगी जाते जाते इन्फिनिटी पर मिलेगी। तो ये ऑप्टिकल, ये प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे जाते जाएगा जाते जाएगा इन्फिनिटी पर, जहाँ मिलेगी वहाँ ऐसे इसको मिला देंगे, जहाँ कट करेगा उससे तो वहाँ बन जाएगा इमेज। तो इमेज जा कर के बहुत दूर बनेगा, ये इन्फिनिटी पर कट करेगा तो इधर इन्फिनिटी पर बहुत दूर जा कर के इमेज बनेगा। तो इमेज का प्रॉपर्टी जब लिखेंगे, पहला इमेज कहाँ बन रहा है, तो इमेज बन रहा है एट इन्फिनिटी पर, क्योंकि इन्फिनिटी पर ये दोनों जा कर के कट करेगी तो इमेज बनेगा एट इन्फिनिटी, क्योंकि पहले रे इन्फिनिटी पर कट करेगी तो जहाँ कट करेगी वहाँ इमेज बनेगा इन्फिनिटी पर। इमेज कैसा बनेगा, तो इमेज रियल बनेगा, क्योंकि कट तो करेगी इन्फिनिटी पर करे या कहीं करे, कट तो करेगा। और रियल बनेगा तो कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, या फिर ये ऐसे भी देख सकते हैं, ये दोनों कट करेगा इसके नीचे ही, ये नीचे कट करेगा तो इससे ऐसे मिलाएंगे तो ये इन्वर्टेड ही आएगा, तो इन्वर्टेड। इसका साइज कैसा रहेगा, तो जितना दूर जाते जाएगा उतना इसका साइज बड़ा होता जाएगा, यहाँ कट करता तो इतना बड़ा, यहाँ कट करता इतना बड़ा, और आगे कट करेगा और ज़्यादा बड़ा, तो इसका ये इन्फिनिटी पर कट करेगा तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, तो हाईली इनलार्ज हो जाएगा इमेज का साइज, हाईली इनलार्ज। अब हम लोग क्या काम करेंगे, अब हम लोग इसको कनकेव मिरर से कनेक्ट करेंगे। तो कनकेव मिरर ऐसे बना लिए, इसमें ये फोकस हो गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया है, ये कौन सा केस है, फोकस वाला केस है। तो फोकस पर रख दिए ऑब्जेक्ट, एक ऐसे बनाए थे प्रिंसिपल ऐसे पैरेलल, ये फोकस से पास होगी ऐसे। फिर अगला वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए दिख रहा था मिरर को, ऐसा लग रहा था वैसा वाला था, वहाँ से रे पास होगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे जाएगी। ये कनकेव मिरर में बनाए थे हम लोग ये वाला केस, ये दोनों जाकर इन्फिनिटी पर मिल रहा था, यही वाला केस ये है, ये इन्फिनिटी पर बन रहा है तो ये राइट साइड में बन रहा है, ये इधर बन रहा था। फिर ये रियल था, ये भी रियल था, ये इन्वर्टेड था, ये भी इन्वर्टेड था, ये भी हाली इलाज, ये भी हाली इलाज, तो ये सेम टू सेम कनकेव मिरर के जैसा है याद करने में बनाने में। और हम लोगों से एक केस छूट गया है, वो ये 2F1 वाला केस हम लोगों से छूट गया था वो गलती से, तो अगला केस वहीं ले लेते हैं 2F1 पर जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट इन्फिनिटी से लेकर के चले आए थे ये F1, 2F1 और F1 के बीच में लेकर चले आए थे, ये 2F1 पर रखने वाला केस हम लोग छोड़ दिए थे, वो गलती से छूट गया था। तो अगला केस वहीं ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट को 2F1 पर रख लेते हैं। तो अगला केस लिखते, तो ये केस लिखते हैं ऑब्जेक्ट इज एट 2F1, ये वाला छूट गया था ये केस गलती से, ये तीसरा केस होना चाहिए था, तो अब तो पांचवा पर ये आ गया है। ऑब्जेक्ट इज एट 2F1, तो सबसे पहले क्या बनाते हैं हम लोग, लेंस बनाते हैं, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, F1, 2F1, F2, 2F2। तो ऑब्जेक्ट को रखना है 2F2 पर, 2F1 पर ऐसे, ए बी ऑब्जेक्ट, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैर, हमेशा तो यही काम कर रहे हैं, अब तो याद हो गया होगा, वो हो जाएगा फोकस से पास, दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से, ये दोनों कट कर गया, उसको मिला देंगे प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये मिलेगा 2F2 पर है, ये कट करेगा 2F2 के नीचे, तो उसको मिलाएंगे तो 2F2 पर ऑब्जेक्ट इमेज बन जाएगा। ये थोड़ा तिरछा हो गया है, वो आप बनाइए तो सही बनेगा स्केल से नाप करके। तो इसका प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, पहला इमेज कहाँ बना है, तो एट 2F2 पर बना है इमेज, कैसा है, रियल है, सही मेरे कट किया एक दूसरे को, इन्वर्टेड है, दिख रहा है,
या रियल है तो इन्वर्टेड है। चौथा, ये कैसा है, सेम साइज है, ये सेम साइज, ये बनाएंगे सही से तो ये नापेंगे दोनों सेम साइज का आएगा। तो इसको हम लोग मिरर से कनेक्ट करते हैं, हमेशा तो यही काम कर रहे हैं। ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे, ये 2f1 पर रखें तो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे, तो एक रे ऐसे आएगा, ऐसे गया था, जल्दी बनाते, दूसरा रे ऐसे आया था, ऐसे आया था, ये इसी पर कट किया था, यहाँ पर बना था, यही वाला केस ये है। तो ये इसमें इमेज 2f2 पर बन रहा है, तो इसमें इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बना था मिरर के केस में, मिरर वाला इसको ये अलग है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बना था, फिर ये रियल था, ये भी रियल बना था, ये इन्वर्टर बना था, ये भी इन्वर्टर बना था, ये सेम साइज है, सेम साइज, मतलब कनकेव मिरर का केस जानते हैं तो ये लेंस आपके लिए बहुत ही आसान है। ये लेंस का कन्वेक्स लेंस कनकेव मिरर के बराबर जैसा है कन्वेक्स लेंस। अब छठा केस, आखिरी केस, जब ऑब्जेक्ट को रख देंगे F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, छठा केस लिखते हैं, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर हो, सेंटर हो, तो सबसे पहले लेंस बना लेंगे, वही काम, प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर F1 2f1 F2 2f2। सब्जेक्ट को कहाँ रखना है, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, सब्जेक्ट रख दिए AB। ये लास्ट केस है, इसके बाद ये ख़त्म कन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहला रे हम लोग कहाँ से लेके जाते हैं, अब प्रिंसिपल एक्सिस के पहले, तो ये कहाँ जाएगा, F2 से पास होगा, ऐसे हो गया। अब दूसरा रे, दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देते हैं, तो ये ऐसे चला जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों रे है, ये दोनों डाइवर्जिंग है आपस में, ये दोनों पैरेलल नहीं है पिछले केस के जैसे, ये दोनों रे है जो डाइवर्जिंग है, जैसे उस केस में था कि दोनों पैरेलल रे था तो उसको इन्फिनिटी पर मिला दिए थे, लेकिन डाइवर्जिंग रे है जो ये कहीं नहीं मिलेगा, ये इन्फिनिटी पर भी नहीं मिलेगा, ये कहीं मिलेगा ही नहीं, ये जितना दूर जाता जाएगा ये दोनों एक दूसरे से और दूर होता जाएगा ऐसे। तो इसको हमें तो इमेज चाहिए ही, तो अब इमेज कैसे बनेगा, आगे तो ये मिलेगा नहीं, तो इसको पीछे स्टैंड करेंगे। ये कनकेव मिरर के लास्ट वाला केस था, वैसा केस है ये, इसको हमें तो इमेज चाहिए ही चाहिए, इसको पीछे स्टैंड किए, आगे नहीं मिला तो पीछे मिला दिए, तो ये जहाँ मिलेगा वहाँ पर इमेज बन जाएगा, तो उसको मिला देंगे प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये बन गया इमेज A' B'। तो ये दोनों रे है जो एक्चुअली में कट नहीं किया, हम लोग इसे पीछे की ओर मिला करके स्टैंड कर दिए और इसे कट करवा दिए, तो यही केस हुआ वर्चुअल का, ये लास्ट केस ये वर्चुअल इमेज इसी में बनेगा, जब एक्चुअली में रिफ्लेक्टेड रे कट नहीं कर रही है, उसे हम लोग कट करवा रहे हैं स्टैंड करके पीछे की ओर, तो इमेज वर्चुअल बनेगा। तो इसका प्रॉपर्टीज लिखेंगे, पहला प्रॉपर्टीज, ये इमेज कहाँ बन रहा है, तो इमेज पीछे में बन रहा है, इधर इसी साइड में बन रहा है, तो लिखेंगे ये कहाँ बन रहा है, इसमें ये नहीं लिखना जरूरी है, केवल ये लिख देंगे कि सेम साइड पर बन रहा है बस, तो ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, तो कौन सा सेम साइड, जिधर ऑब्जेक्ट है उस साइड, एज द ऑब्जेक्ट। दूसरा प्रॉपर्टी, क्या ये रियल है या वर्चुअल है, क्या रिफ्लेक्टेड रे सही में कट कर रही है एक दूसरे को, कट नहीं कर रही, उसे कट करवा रहे हैं, जब भी कट नहीं करेगी तो हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, ये मिरर केस में भी वैसे ही बनाते थे, पीछे को स्टैंड करके कट करवा देते हैं, तो ये कट नहीं कर रही है इसे करवा रहे हैं, तो ये बनेगा वर्चुअल।
यही एक वर्चुअल, यही केस में केवल वर्चुअल बन रहा है, बाकी सब में रियल बन रहा था। ये कैसा है? इरेक्ट। जब वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा, जब रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा। ये दिख भी रहा है, इतना बड़ा इमेज है, दिख भी रहा है कि ये इरेक्ट है। ये कैसा है? छोटा या बड़ा है? तो ये लार्ज है, दिख रहा है ऑब्जेक्ट से बड़ा है, तो ये लार्ज। तो ये हो गया, ये लास्ट केस भी खत्म हो गया। इसको हम लोग मिरर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ये पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाएगा उसके जैसा, वो सबके जैसा, लेकिन हो जाता है तभी। एफ एस सी, तो यहाँ वाला केस है ये। तो इसमें क्या करते थे, एक रे यहाँ से पास करवाते थे, जो इसको लगता था कि फोकस से आ रहा है तो इसके पहले चला जाता था। और दूसरा जो लगता था इसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है, तो ये इधर जाएगा, ये ऐसे ही वापस चला जाएगा आएगा। तो एक दूसरे को कट नहीं कर रहा था, तो इसको पीछे क्यों स्टैंड कर रहे थे, इसको यहाँ बन रहा था। तो ये बियॉन्ड द मियर बन रहा था, तो ये वर्चुअल हो रहा था, इसको कट नहीं कर रहा था, कट करवा रहे थे पीछे क्यों स्टैंड करके, वहीं वाला वैसा ही केस ये है। तो ये मियर के पीछे बन रहा था, ये सेम साइड में बन रहा था, तो ये वर्चुअल हुआ। इधर जो बनता है वो रियल बनता है। तो इसमें भी जो ये, इसमें ये पहला तो नहीं होगा, ये वाला तो अलग होगा, ये बियॉन्ड द मिरर होगा, ये सेम साइड होगा, बाकी सब सेम होगा। वर्चुअल, इरेक्ट, इनलार्ज, ये वाला सब में सेम होता है। ये देखिए हम लोग जो लेंस होता है कन्वेक्स लेंस, वो किसके सिमिलर होता है? कनकेव मिरर के। कन्वेक्स मिरर के सिमिलर नहीं होता है, कनकेव मिरर के सिमिलर होता है कन्वेक्स लेंस। तो यदि आपको कनकेव मिरर का आता है अच्छे से, तो कन्वेक्स लेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कन्वेक्स लेंस भी आपको अच्छे से आ जाएगा। तो ऐसे हमने रिवीजन तो करवा दिया, लेकिन अगर आपको तब भी दिक्कत है तो मैंने वीडियो बनाया है कनकेव मिरर का, वो आप देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।